साहब हाँ जी बजरंगर कुल भाई साहब हाँ जी बढ़िया बढ़िया आशी आया हुआ था थोड़े आप आपकी बीमा चाहे तो वो थोड़ा कुछ आया बंदा काबू सगी आया नहीं आया अच्छा रेट पे गई हुई उसका भाई तो उठा ही रखा पर भाई तो उठा ही लिया उसका थोड़ा कचराई करवाओ जो मदद चाहिए लो व्यापार मंडल की साथ सारे तैयार है किसी प्रकार की इमदाद चाहिए 24 घंटे मदद तैयार है बस सारा ये चीज पूरी टीम बैठी है बजरंग बैठा है मंडी प्रधान बैठे रमेश भूटानी सब सारे बैठे हैं सारे अपराधी घटनाएं बढ़ रही है हरियाणा के अंदर अपराधी घटना लगातार बढ़ रही है बाढ़ सी आ चुकी है खास तौर पर हांसी जो इलाका है ये अपराधी का गढ़ बन चुका है बड़े अफसोस से कहना पड़ता है दुनिया भर की चोरियां हांसी में हो चुकी है और बार बार पुलिस प्रशासन आश्वासन देने के बावजूद एक भी चोरी का माल पुलिस प्रशासन बरामद नहीं कर पाई है अपराधी को नहीं पकड़ पाई है अगर समय रहते अपराधियों को पकड़ा जाता तो कल जो घटना जो हम शोरूम पे बैठे हैं 50 लाख की फिरौती मांगी गई है हथियार की नोक पर फायरिंग करने की कोशिश की है जानलेवा हमला किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं तो ये वारदात नहीं होती आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं जबकि व्यापारी करोड़ों अरबों रुपए टैक्स सरकार को देता है इसलिए देता है कि उसकी जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करे जिसमें सरकार पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है इसमें कोई दो राय नहीं दरक साहब एक बात बताएं कि जब चोरियां बरामद नहीं हुई उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया अब तो दूसरी घटना के बाद आ रहे हो ऐसे है मेरा भाई मैं तो पहले भी आया और मैंने लास्ट से पूछो ये बैठे अपने गांधी जी बैठे बंसल जी प्रधान बैठे राम उतार जी बैठे हमारे अजय जी रोड के प्रधान बैठे और राजीव जी सबको मैंने फोन किया और सुबह 8 बजे मैंने फोन करता आ रहा हूँ मैंने सुबह पहले भी एसपी साहब से बात करी जो अपराधी गतिविधियां हो रही है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं जिम्मेदार सरकार है और कौन होता मैं अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पाई अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही प्रदेश के व्यापारी उद्योगपति आम जनता की जान माल की सुरक्षा करने में सरकार पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है और सरकार को चाहिए अनिल वीर छापे मारते हैं थानों में किसी को सस्पेंड करते हैं क्या करते हैं तो इससे कुछ प्रभाव पड़ता है देखो मैं किसी को पर्सनली टिप्पणी नहीं करना चाहता हमें तो सुरक्षा चाहिए हमारे किसी दुकान के अंदर चोरी ना हो किसी प्रकार की फिरौती ना हो किसी प्रकार का हत्या ना हो हम वो चाहते हैं किसी के छापे मारो किसी को सस्पेंड करो ना करो ये हमारा इशू नहीं है हमारा इशू एक है व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध सरकार को करना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है अगर सरकार नहीं करेगी तो प्रदेश का व्यापारी सड़कों पे आएगा हरियाणा बंद भी करना पड़ा तो बंद भी करेंगे आज पूरा तरफ से व्यापारी आज हंसी की बात नहीं पूरे हरियाणा का व्यापारी भयभीत है हिसार में देख लो आपके सामने 2 करोड़ की फिरौती मांग ली जब वो 2 दिन एजिटेशन किया तो एक मुलजिम आता है 2 अभी तक काबू से बाहर है एक शाम से मेरे में आने वाले हैं मगर पहचान हो चुकी है आज जिस तरह पुलिस अधीक्षक जी से हांसी भी बात हुई है सुबह भी हुई थी उन्होंने कहा भी उसका भाई को तो हमने एक बार उठा रखा है बाकी जो जो किसके भाई को उठा रखा है जो मुलजिम अपराधी जो अपराधी है वो तो उठाओ किसी का जो अपराधी था तो कहाँ का आइडेंटिफाई हुआ कहाँ कौन देखो वो तो आपके सामने ही बात हुई मैंने आप अल्टीमेटम दे क्या दे रहे हो अल्टीमेटम देखो ऐसे जो एसोसिएशन फैसला लेगी आशी का व्यापार मंडल बैठा सब्जी मंडी बैठी मेन बाजार का प्रधान बैठे सारे बैठे
जो भी ये फैसला लेंगे व्यापार मंडल उसके साथ है। अगर ये न्यू कहेंगे मुझे 10 दिन बैठना, 10 दिन बैठने तैयार हूँ। अच्छा गरग साहब एक बार बताओ, पूरे प्रदेश में आपने बताया कि अपराधी घटनाएं हो रही है, तो प्रदेश लेवल के आप नेता हो व्यापारियों, तो आपने क्या एक्शन लिया? ये तो आपके पीछे है। सुनो, मैं पीछे जहाँ जा कोई भी सूचना मिलती है वहाँ जाकर लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ लड़ाई लड़ते हैं तो अपराधी पकड़े जावे। जब तक तो शोर ना करें, मेरे कहने का तात्पर्य एक है, जब तक व्यापारी शोर ना करे, सड़कों पे ना आए, सुनाई नहीं हो रही, ये दिक्कत है। और अपराधी 6 साल में आपने एक बार भी हरियाणा बंद नहीं किया? 6 साल में सुनो, पहले आप हरियाणा बंद कर देते। अगर आपके सामने कल की इन्होंने बाजार बंद की कॉल की हुई, मैंने जो बताया मीटिंग करके 10:30 मीटिंग रखी थी, बाजार बंद की कॉल की हुई है, उन्होंने समय मांगा था, पुलिस प्रशासन ने पुलिस प्रशासन सराहाया था, उनको आज तक का टाइम दिया हुआ है, यानी 24 घंटे का टाइम दे दिया। उसके बाद कल बाजार बंद रहेगा, उसके बाद आगामी जो निर्णय जो होगा व्यापार मंडल लेगा, आशी का व्यापार मंडल, उसी हिसाब से गतिविधि चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। पूरा प्रदेश का व्यापारी पीड़ित परिवार के साथ है, साथ खड़ा है, किसी प्रकार की जाति होने नहीं देंगे, जाति सहन नहीं करेंगे, और जाति के लिए व्यापारी पूरा एकजुट, पूरे हरियाणा का नहीं पूरे देश का व्यापारी एकजुट है और हर एक के दुख सुख में साथ खड़ा है। इसमें आपको लगता है नई सरकार बनने के बाद अपराध बढ़े? देखो मैं कोई राजनीतिक बात ना करते हुए ये जरूर कहूंगा, तो आपने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया? सरकार को क्यों उठाया मैं, पार्टी की बात ना करके सरकार, मैं भी कह रहा हूँ विफल सिद्ध हुई है, अपराधियों को पकड़ने में विफल सिद्ध हुई है, व्यापारी उद्योगपति आम जनता की जान माल की सुरक्षा करने में विफल हुई है। जो आपके सामने हरियाणा का हालात देख रहे हो, हमारी बहन बेटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है आपके सामने। सवाल ये था कि नई सरकार जब से बनी है दोबारा मैं देखो उसके बाद कुछ नहीं, इस सरकार नहीं, इस नई सरकार की छोड़ो तो पहले 5 साल था उसमें कौन सा कम हुआ? वही सिस्टम है, वो सिस्टम है। जहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पूरे ढंग से अपराध पर अंकुश लगाने में विफल सिद्ध हुए, जबकि सरकार को चाहिए था हर जगह पैदल पुलिस गश्त हो, मोटरसाइकिल राइडर हो, PCR हो, और यहाँ तक मैं दावे के साथ कहता हूँ हर एक चौकी थाने के अंदर अपराधियों के रिकॉर्ड होते हैं। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे, जो अपराधी रिकॉर्ड के जो आदमी उसके एरिया में उनको बुला कर पहले ही उन पर नकेल डाले तो अपराध पर अंकुश लगेगा, और जिस एरिया के अंदर अपराध होते हैं उस एरिया के चौकी इंचार्ज की, थानेदार की सरकार को जुमारी फिक्स करनी चाहिए, तेरी एरिया में किस प्रकार पोती मांगी। प्रश्न ये था, इस जैसे अभी ललित ने पूछा कि आपने एक बार भी स्टेट लेवल का कोई आंदोलन कराया क्या? रोज ही आंदोलन हो रहे हैं, कितने आंदोलन करवा होगा इस हार के अंदर, 3 दिन तो धरने पे बैठे रहे। अच्छा, आंदोलन कौन ही, और रोज हम लठम लट्ठा हो रहे हैं, कौन सा चोरियां हो गई यहाँ? आपको क्या लगता है ये सारी ब्यूरोक्रेसी हावी है क्या सरकार पे? ब्यूरोक्रेसी सरकार पे हावी है या सरकार की कहने की बात? अफसरशाही पूरी तरह से हावी भाई, अफसरशाही के अंदर पूरा अड़ंगा जकड़ा हुआ है। असली बात क्या है, अफसर अपने हिसाब से ही लाइन ऑर्डर के अलावा भी अपने हिसाब से काम चलाते हैं। किसी व्यापारी के नु कह दे एप्लीकेशन झूठी दिया हो भी, एप्लीकेशन भी व्यापारी से मैं 100 रुपए मांगू या पैंट पटकी जी बदले कोनी, तो सारे थाने के अंदर पुलिस वाले ने वर्दी पैर में मैं चलू क्यों मुलाला के जाऊंगा तो किमी किमी 2 रुपए मिलेंगे है? और नू कह दे किसी और के गड़बड़ कर दी चाल गराजी को नहीं। सारी तकलीफ जो है आज देश के अंदर व्यापारी वो उद्योगपति को ऊपर है। आज व्यापार पिछड़ता जा रहा है, उद्योग पिछड़ता जाता है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आपके सामने है आज व्यापारी के ऊपर शोरूम बड़े जरूर है, माल जरूर है, सेल पहले से आधी भी नहीं है। क्यों? जिस शोरूम के अंदर 20 एम्प्लॉय थे, जिस फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय थे, काम ना होने के कारण आज आधे लोगों को छुट्टी करनी पड़ रही है, काम नहीं है। आपके सामने कहीं देख लो आप, वैसे लोग ही कह रहे हैं कि जो असली में हालात 10-12 साल पहले होते थे, एम्प्लॉय करके बहुत से व्यापारी, ये दोबारा से उसी परंपरा नहीं चलेगी? ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया, जो मतलब क्वेश्चन है, असली के अंदर एक बार बड़ा भारी
अपराधी गढ़ बन गया था और जगह जगह फरौती शुरू हो गई थी और उस टाइम काफी लोग पलायन कर गए थे। अगर ऐसी स्थिति फिर हुई दोबारा तो लोग मजबूरी पलायन करेंगे। पहले तो व्यापार नहीं है, कौन अपनी जान माल के लिए रोटी वास्ते बैठेगा? पूरा दिल्ली बैठा, दिल्ली चल जाएगा, कहीं और चल जाएगा, कोई पंजाब चल जाएगा, कोई राजस्थान चल जाएगा, कहीं गुजरात चल जाएगा, कोई महाराष्ट्र चल जाएगा। सारे व्यापारी सबसे पहले है जान माल की सुरक्षा। अगर हरियाणा में उद्योग क्यों नहीं लग रहे, मैं मुख्य कारण दे दूं आपको, आप लाइन पे आ जाओ। उद्योग सिर्फ इस कारण नहीं लग रहे कि यहाँ का कोई भी पड़ोसी उद्योगपति गुजरात का पूछ ले, महाराष्ट्र का पूछ ले, कलकत्ता पूछ ले, भाई हरियाणा में उद्योग लगाना जावा तो यहाँ का उद्योगपति भाई ना उन्हें लगाइए। बोला क्यों? बोला जान माल की सुरक्षा नहीं, कोई किसी प्रकार की छूट नहीं। एक भी उद्योग 6 साल के अंदर सरकार बता दे, 6 साल में एक भी नया उद्योग हरियाणा के अंदर लगा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% हमारी गवार की मिल यहाँ से बंद होकर पलायन कर गई। राइस मिल, दाल मिल, ऑयल मिल, खेती उपज जो हमारा प्रदेश है उसके अंदर आंकड़े के हिसाब से भी लगभग कोई 50% अधिकतम 80-90% तक मिलने बंद हो चुकी, बेरोजगार पर फैल गई। जब कृषि उपज प्रदेशों में ये हाल है जहाँ अनाज पैदा होता है और वहाँ की मिले बंद हो जाए। आसी वाली इस घटना के बाद में आपने सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया? देखो मैं ये भी आपके सामने मेरी से बात हुई है, इन्होंने मेरे को ये बताया कि कल का हमने बंद रखा है। मैंने अजय भाई को भी बताया तुम फैसला ले लो, संजय गांधी जी से, बजरंग जी से, पूरी हाथ से बंद रखा है मार्ग। नहीं कल कल का इन्होंने कल एक मार्केट कर दिया। थोड़ा सिस्टम होता है, क्या होता है पुलिस यूँ कह दे भाई हम तो काम कर रहे थे जी, आपने बैंड करके हमारी सारी पुलिस का ध्यान आपकी तरफ डिवाइडेड हो गया, चोर भाग गया। हम करीब पहुंच रहे थे, हम करीब पहुंच गए थे जी, आपने शोर कर दिया, नू हो गया, अलवाद हो गई, तोड़ फोड़ ना हो जाए। तो क्या होता है जब पुलिस ने समय मांगा है तो समय दिया है। और एक बात कहता हूँ, इकली बात ये अपराधी नहीं पकड़े गए ना तो भाई कुछ भी करना पड़ो अंतिम बैठोगे आप? अगर धरना लगाओगे 100% बैठूंगा। अगर ये नो धरना लगाया हाथी में जितने दिन धरना होगा उतने दिन आऊंगा। कुछ भी में क्या है? कुछ भी में क्या क्या हो सकता है? कुछ भी क्या, कुछ भी करना बंद होगा। अच्छा। प्रदर्शन करेंगे। अच्छा। आमने सामने चलेंगे। अच्छा। उसके बाद अगली रणनीति और भी हो सकती है। अगली रणनीति यह है जब हमारी सुरक्षा नहीं तो टैक्स किस बात का? टैक्स किस बात से देते हमारी सुरक्षा हो तो हम टैक्स भी ना दे? अगर हम टैक्स इस बात का देते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, जब हमारी सुरक्षा सरकार नहीं करेगी तो किस चीज का टैक्स मांगती है? फिर टैक्स बंद करोगे आप देना? अरे अब तो बंद करोगे, पहले तुम बंद करवा लो। हम तो अल्टीमेट बता रहे हो, तुम सुनो बात को, तरीके की बात करो। हमारा एक एक बयान की थोड़े सी महत्व होता है, हम कोई कच्ची बात बोल दें उसका संदेश हासिल नहीं, पूरा स्टेट में जाएगा भाई ने ये कह दिया। अगर ये हमारा सिस्टम है, प्रोटोकॉल से हम बाहर नहीं जाते। और जहां तक कोऑपरेशन का सवाल है, सरकार को हमारा पूरा कोऑपरेशन, अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को बड़ा पूरा कोऑपरेशन, 24 घंटे हमारे सारी टीम जहां सी टीम आपके सामने बैठी, सारी मजबूती से कोई भी बाहर जाता तैयार खड़े पाते हैं। और भविष्य के अंदर ये कोई चोरी ये नहीं कि हमारे ये शोरूम पे, ये शोरूम भी हमारा है। अगर किसी दुकानदार के 2 रुपये का काम होगा जमीन जमाने कुर्सी मिलेगी, मेरा व्यापारी भूखा मरेगा, मेरे व्यापारी ने बैठा जगह नहीं होगी तो मानने कौन जगह देगा भाई साहब? आज ये देश की अर्थव्यवस्था जो व्यापारी कंट्रोल कर रहा है, अरबों रुपए टैक्स दे रहा है, उसके साथ जाती हो रही है, कोई सुना ही नहीं है। एक ही बात, हाँ पकड़ लेंगे जी, उसके नजदीक लग गए जी, नजदीक तो मेरे किसके लग गए तुम है? एक मोबाइल की चोरी वास्ते मैंने चौधरी साहब को फोन किया, बोला जी नजदीक आ रहे हो, आश्वासन दिया, बजरंग जी से 20 बार बात हुई, बोला हाज कर रहे हैं, आज 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 पकड़ा गया। बोला किस तरह नहीं पकड़ा? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जितनी मतलब अपराधी घटनाएं हो रही है इससे पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। ये हादसे की बात नहीं है कि हादसे के अंदर फोकती मांगी है, हादसे का संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा, पूरे हरियाणा में जाएगा, पूरे हरियाणा के अंदर आम व्यापारी भयभीत होता है। आज आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से अगर रात को इशारा ना होना है, घरवाले 6 बार फोन खड़काते हैं, गांधी जी कहाँ पूछ गया? पापा मैं वहां से तो बहादुरगढ़ पूछ गया, फिर मिला हूँ, ये कहाँ पूछ गया? साफ बोला
जब तक घर व्यापारी ना पहुंचे तब तक भय का माहौल बना रहता है। उस भय को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन को अपराधियों पर नकेल डालने की जरूरत है। नकेल भी ऐसी डाले कि उनको चीरा लगाए, चीरा सिस्टम आप समझते हैं, जब तक ढंग से चीरा नहीं लगेगा ना तब तक ये अपराधी, आज गवाही नहीं होती, फायरिंग कर दी, पकड़ लिया, 20 दिन बाद आ गया, फिर वो आ रहा, फिर हमारा फुफा बनाया वो। जिला पुलिस मुख्यालय बनने के बाद भी तो अंकुश लगना चाहिए था, पर दिखना होगा, बिल्कुल लगना चाहिए था। अब ये जब एक यहाँ पर सेंटर बन गया, एक पुलिस का जिले मुख्यालय बन गया, एसपी साहब बैठ गए, तो यहाँ पर अंकुश लगना चाहिए था। अंकुश का सबसे बड़ा सिस्टम मैं बता रहा हूँ, जब तक ये चौकी थाने के इंचार्जों को टाइट नहीं करेगा कप्तान, उन पर नकेल, पहले तो नकेल घर में डालनी पड़ेगी ना, जिन्हें तो अपराधी पकड़ लिया होगा। सब इतनी बड़ी घटना कल हुई थी, छोटा सा शहर है, छोटा सा आंसी जिला है, पुलिस का जिला है ना, तो एसपी आया ना, कल डीएसपी आया, डीएसपी भी आ जाए, एसपी तो आज तक भी नहीं आया यहाँ पे। वो तो देखो आपके साथ बात ही हुई है, मैंने तो जो बात है एसपी को, नहीं तो क्या इसको नेगलिजेंसी समझा जाए, नहीं आना चाहिए। देखो इतनी बड़ी वारदात है और छोटा जिला है, और कप्तान एक जो होता है, जो भी कोई जिला अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी है, वो एक मुखिया होता है और वो उनका परिवार है, तो जब दुख और सुख में हर पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पूछना चाहिए, ताकि जिस जो पीड़ित व्यापारी है और हमारे जो भी एसोसिएशन है या साह शहर के, उनको ये तसल्ली हो भी, हाँ भी पुलिस हमारे साथ 24 घंटे खड़ी है आश्वासन। तो कल आपने फोन करके नहीं कहा अधिकारी को मौके पर जाइए देखिए जाके? मेरी सुबह बात हुई एसपी साहब से, सुबह बात हुई। बरक साहब एक आपको मेरे पता लगा है, लास्ट क्वेश्चन मुझे सुबह घटना का, बरक साहब सुनो था लास्ट क्वेश्चन, सारे उद्योग को नहीं पता लगा, सारे उद्योग पलायन कर रहे हैं? सारे नहीं कर रहे, नहीं आप कह रहे हो ना सारे नहीं है, अधिकांश मैं बताया, अधिक तो आप उद्योग पलायन कर रहे हैं, व्यापारी पीड़ित है, और बरक साहब क्या कर रहे हैं? मैं एक वो हंसी के जो नुमाइंदे बीजेपी के, वो भी यहाँ नहीं आए अभी। देखो सब सामाजिक बात है, कोई आगे आ जाए तो पीछे आए, उसमें कोई राजनीतिक बात आपका सॉफ्ट कॉर्नर ले लो। देखो हम व्यापारी, हमारा धर्म है व्यापार मंडल को, व्यापारी की सुरक्षा के लिए, व्यापारी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, उसमें हमारे पार्टी बाजी, हमारे बीजेपी के व्यापारी, हमारे इनिलो भी मारी है, सारी पार्टी जो व्यापारी जो व्यापार करे, धोबी तेली और मणियार सारे हमारे है यार, बस आप बात को मेरे सारे है, मेरा कोई पार्टी बाजी नहीं, व्यापारी को मामले में व्यापार मंडल में मैं कभी भी सच्ची बात नहीं करा करता, ये मेरे सारे साथी हर एक दुख में साथ होते हैं, हिसार में देख लो सारी पार्टी मेरे साथ बैठे थे, और दो दिन में पकड़ लिया है, 24 घंटे ने दिया, रात को पकड़ लिया है। लास्ट बताओ अल्टीमेटम क्या है, ये तो बैठ जाएंगे धरना पे, सुनो बैठेंगे ना बदन तला भाई सत्ती बैठा पाओ, और बोल छाती ठोक, बिल्कुल छाती ठोक करके तेरा ही माल खाओगे, छाती के ठोकेंगे तेरे पास जाओगे सामने तेरा माल खाओगे, सत्ती बिठाऊंगा। ये समझो ये तकलीफ सबके, ये मतलब कोई टैक्स बढ़ेगा तो आप समझते हो दुकानदार का नहीं, सब साथी हो लेगा, सबसे पहले पत्रकार लगेगा, 28% टैक्स है तो तारे लागे, हमने तारे खत्ते मंडेगा, सबके लागे, नहीं उपभोक्ता का लागे, दुकानदार नहीं लगता, दुकानदार तो लगता है। तो ये सोचने की बात है, ये आप एक सहयोगी है हमारे परिवार के, और सहयोगी के नाते आप लोगों ने हमेशा कोऑपरेशन किया, और यही उम्मीद करता हूँ ज्यादा कोऑपरेशन आपका मिलेगा।